जिला मजदूर कल्याण संघ की ओर से विश्व मजदूर दिवस के मौके पर एक सभा आयोजित कर इस दिवस को खास तौर से मनाया गया। साथ ही मजदूरों को उनके अधिकार के प्रति इस मौके पर जागरूक भी किया गया। इस दरमियान वक्ताओं ने कहा कि आज मजदूरों को काफी संघर्ष के बाद भी उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है और बढ़ती महंगाई के कारण मजदूर अपने परिवार का सही तरीके से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सरकार मजदूरों को उनके उपकरण खरीदने के लिए जो भी अनुदान राशि दिया करती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। इससे मजदूरों की दशा और ज्यादा बिगड़ गई है और मजदूरों का वाजिब हक भी वर्तमान सरकार छीनने में लगी हुई है। इसीलिए उन लोगों ने इस दिवस पर खास तौर से मजदूरों की मांगों को रखते हुए सरकार से अपील किया है, अनुदान राशि को तत्काल देना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा आंदोलन करना उन लोगों की मजबूरी होगी। तो हर साल के भांति इस वर्ष भी 1 मई मजदूर दिवस जो है सो मनाया जा रहा है। जिला मजदूर कल्याण संघ के बैनर तले आगामी 2020 और 21 में तो 1 मई मजदूर दिवस नहीं मना पाए, इस बार जो है सो 22 और 23 में जो है सो मजदूर दिवस मना रहे हैं। मजदूर के नाना प्रकार के समस्या जो है सो हम लोगों को संघ में आते रहता है। कहीं पर अगर जो भी बिल्डिंग से जैसे गिर गया, कोई नियोजक पैसा बेमानी कर लिया, या मैंने किसे जो है सो मजदूर 8 घंटा सही ढंग से ड्यूटी नहीं दे पा रहा है, बहुत तरह का समस्या आते रहता है। काम करा करके पैसा नहीं दिया, तो वो सारी समस्या को हम लोग जो है सो देखते रहते हैं। और मजदूर ये 1 मई मजदूर दिवस में सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि मजदूर का चौक चौराहे पर सेट होना चाहिए, बैठने का शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए, पेशाब खाना होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम, ये सब चीज़ का व्यवस्था कहीं है नहीं। इसके लिए हमने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को भी हमने कहा कि सर देखिए चौक चौराहे पर नेवालाल चौक है, लाइन बाजार चौक है, रजनी चौक है, लखन चौक है, पुंटक्लिक चौक है, और कहीं पर भी मजदूर का बैठने का और पानी पीने का या और लेटरिन बाथरूम करने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिए थे कि सर ठीक है, जगह चिन्हित किया जाए और हम लोग जो है सरकार से जो है सो इसको मांग रखेंगे, चिट्ठी लेटर लिखेंगे और देने का भी काम करेंगे। साथ ही अभी मजदूर का एक समस्या है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मजदूरों को भवन बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत लोगों को घर साइकिल औजार के लिए पैसा देते थे और मेडिकल के लिए भी पैसा देते थे 3,000, वो देना जो है सो बंद कर दिए। मजदूर में अब जो है उत्साह जो था पहले कि सरकार हम लोगों को जो है फायदा दे रही है कि साइकिल के लिए पैसा दे रही है, घर के लिए पैसा दे रही है, औजार खरीदने के लिए पैसा दे रही है, मेडिकल के लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रही है, ये जो पैसा रुक गया है मजदूरों में उत्साह कम हो चुका है। और इस बार 1 मई मजदूर दिवस में यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुनः जो योजना आपने चलाए थे वो योजना को फिर से चला करके और सभी को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए, कि मजदूरों को सरकार की तरफ से मैक्सिमम फैसिलिटीज मिले, उसका इंश्योरेंस हो, उसका हेल्थ का इंश्योरेंस हो, उसके बच्चे का पढ़ाने के लिए सरकार गारंटी ले। अगर सरकार उसको साइकिल दे रही है, वस्त्र दे रही है, भोजन दे रही है, तो उसको क्यों नहीं सरकार एक पाठशाला खोल करके हॉस्टल बना करके उस हॉस्टल में रखे सारे बच्चे को, गरीब के बच्चे को, मजदूर को चिन्हित करके उसके बच्चे को पढ़ाने का सारा सुविधा सरकार का देने का दायित्व है, उस सरकार को देने चाहिए। जब तक मजदूर का बच्चा पढ़ करके सही नागरिक नहीं बनेगा, देश का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए कि असंगठित क्षेत्र में 90% जो है मजदूर काम कर रहा है और मजदूरों का बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, उसके भविष्य को बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि सारी जिम्मेदारी उठावे, मजदूरों को मजदूरी भी मिले और उसको सम्मान भी मिले। यह आज के समय में बहुत जरूरी है कि हमारे मजदूर जिसको कुछ पैसा दे करके 8 घंटा 10 घंटा खटता है लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो मजदूरों को मजदूर के साथ साथ उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि हाँ? जो आप अभी बोले कि 8 घंटा या उससे ज्यादा देर तक खटा लिया जाता है मजदूरों, जो सरकारी दरें हैं मजदूरों के लिए, उससे मजदूर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, एकदम असंतुष्ट है, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जाए? हाँ, सरकार को अपना चिन्हित करके एक मजदूर का एक मजदूरी तय करे, 8 घंटा का मजदूरी क्या तय होगा
और मजदूर जो कहीं खेत में काम कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, किसी के घर में काम कर रहा है, कोई भी निर्माण काम कर रहा है, उसका सरप्लस जो मजदूरी है उसका भी भुगतान करने का गारंटी ले। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH 31 मरंगा पूर्णिया में। यहां लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहां एक ही छत के नीचे केरोविट का सेनेटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, सावर, सावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH 31 मरंगा पूर्णिया।